नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। तनीषा शर्मा मामले में शुजान खान जब से जेल से बाहर आए हैं, वो लगातार कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है जिसकी वजह से शुजान खान चर्चा में बने ही हुए हैं। पहले शुजान खान ने जिस तरह से तनीषा शर्मा के इस मामले में जेल से बाहर आने के बाद एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया, जिसमें तनीषा को याद करते हुए काफी भावुक हो गए और उसके बाद लगातार अपने इंस्टाग्राम पर तनीषा को लेकर जो पोएट्री वो लिख रही है उसकी वजह से भी वो सुर्खियों में है। अब हाल ही में अगर बात करें शुजान खान की, तो आपको बता दें कि शुजान खान ने इंस्टाग्राम पर एक और पोस्ट शेयर की है। ये तनीषा शर्मा से जुड़ी हुई तो नहीं है, लेकिन इसे देखकर लग रहा है कि शुजान खान जब से जेल से बाहर आए हैं काफी ज्यादा खुश हैं। दरअसल आपको बता दें शुजान खान ने अब ईद को लेकर जो इफ्तार पार्टी है वो रखी है और उसे लेकर अपना लुक उन्होंने फैंस के साथ पोस्ट शेयर करते हुए किया है। शेयर किया है, यहाँ पर उन्होंने आपको बता दें कैप्शन में लिखा है माय फॉरएवर लव फॉर पठानी, सो या दैट्स द लुक फॉर नाउ। जी आपको बता दें कि शुजान खान जब से जेल से बाहर आए हैं परिवार के बीच भी खुशी देखने को मिल रही है। जी आपको बता दें कि अब जल्द ही जो शुजान खान की बहन शफक नाज वो शादी के बंधन में बंधने वाली है, इस बात की जानकारी खुद एक्ट्रेस की तरफ से दी गई थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि इसी महीने के एंड वीक में जो शफक है वो इंगेजमेंट कर सकती है। फियांसे को लेकर ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इतना कंफर्म है कि वो लाइमलाइट से हमेशा दूर ही रहते हैं, बिजनेसमैन हैं। हालांकि अभी तक कुछ भी अगर बात करें तो डिस्क्लोज नहीं किया गया, सिर्फ शुजान खान ने ये खुशखबरी दी है कि जल्द ही उनकी बहन जो है वो शादी के बंधन में बनने वाली है। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। नमस्कार।